वर्तमान का मतलब होता है हकीकत, वर्तमान माने हकीकत। तो वर्तमान में हम होते ही हैं, वर्तमान में होना नहीं पड़ता। हकीकत से हमें दूर क्या खींच ले जाता है? हमारा अपना व्यवस्थित झूठ। झूठ को प्रश्रय मत दीजिए, इसी को कहते हैं वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने का अर्थ वो सब नहीं होता जो आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है, जो कई सारे लेखक आपको बता रहे हैं और गुरुओं से आप सुन रहे हैं कि आगे की मत सोचो, पीछे की मत सोचो, इसको कहते हैं वर्तमान में जीना। ना, आगे की भी सोचने का हक है आपको, पीछे की भी सोचने का हक है आपको। स्मृतियां व्यर्थ ही नहीं होती। अभी न कोई बातचीत हो सकती है, न भाषा हो सकती है यदि स्मृतियां ना हो। न मैं कोई उदाहरण दे सकता हूं, ना आप कुछ समझ सकते हैं यदि स्मृतियां ना हो। वर्तमान का अर्थ ये नहीं होता कि मन से स्मृतियों का लोप हो जाए। वर्तमान माने वो जो है, वो जो है वहां पर स्थित हो जब तुम, तो तुम्हारी कल्पनाएं भी शुभ हैं और शुद्ध हैं। वहां पे हो यदि तुम, तो तुम आगे पीछे की बात भी कर सकते हो, फिर वो सिर्फ बात है, वो कोई आत्मिक आशा नहीं बन जाएगी। फिर आगे पीछे की बात तुम ऐसे नहीं करोगे कि पीछे आनंद था या आगे आनंद आ जाएगा, या कि पीछे आत्मा थी और आगे आत्मा आ जाएगी। आगे और पीछे, अतीत और भविष्य जब सिर्फ समय के खंड हो, तब उनकी बात करने में या उनको याद करने में कोई अहित नहीं। लेकिन आगे और पीछे, भूत और भविष्य जब तुम्हारे लिए आत्मिक तृप्ति का साधन बनने लगे, तब वो तुम्हारा नरक हो गए। एक होता है बीते कल को याद करना ऐसे कि हाँ, कल मैं बाजार गया था, या कल मंगलवार था, या कल मैंने रसगुल्ला खाया था, या कल मैं तुमसे मिला था। और एक होता है बीते हुए कल को याद करना ऐसे कि वाह, वो भी क्या जमाने थे, अब तो कलयुग है। एक होता है भविष्य को ऐसे याद करना कि गाड़ी आज चलेगी तो कल पहुंचेगी, या कि कल बारिश की संभावना है, या कि आज जो काम शुरू किया है लगता है इसको खत्म करने में 6 दिन लगेंगे। इन सब में भी कल की बातें हैं। और दूसरा यह होता है कि अभी बड़ा दीनहीन हूं, बड़ा दुर्बल हूं, कल स्वर्ग उतरेगा, कल जीवन शुरू होगा, कल से प्राण फूटेंगे। इन दोनों में फर्क है। बात आ रही है समझ में? वर्तमान में जीने का अर्थ है जो भी तुम्हारे सामने हो उससे परिचय में जीना, उससे परिचय में तभी जी सकते हो जब उसे शुद्ध आंखों से देखो, जब डरे हुए नहीं हो, जब उम्मीदों के गुलाम नहीं हो, जब भय तुम पर छा नहीं गया है। अपने पूरे पन में जीने को कहते हैं वर्तमान में जीना। आदमी दो तरीके से अधूरे पन में जीता है, या तो ये कह देता है कि किसी दूसरे से मुझे तृप्ति मिल जाएगी, या ये कह देता है कि किसी दूसरे पल मुझे तृप्ति मिल जाएगी। हम कह देते हैं या तो कि किसी दूसरे से मुझे तृप्ति मिल जाएगी, या ये कह देते हैं कि किसी
दूसरे पल मुझे तृप्ति मिल जाएगी। जब ये दोनों ही भाव नहीं होते तो कहा जाता है कि व्यक्ति वर्तमान में जी रहा है।